अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेल बॉटम की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखिए, मैं 16 साल की लड़की का बेल बॉटम सी रही हूँ। उसकी लंबाई है होगी 37 इंच। तो मैंने इसमें ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट में मैंने, ये देखें इसकी ये 4 पार्ट हैं, इसको मैंने 4 पार्ट में अच्छी तरह फोल्ड कर इस तरह बिछा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये आगे और पीछे से दोनों साइड से बिल्कुल बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ना ही इसमें हम आगे बेल्ट लगाएंगे और ना ही पलेटे डालेंगे। ये देखिए, हम ये हमारे नेपे का हिस्सा है 2 इंच, तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया और दूसरी साइड पे भी हमने 2 इंच पर निशान लगाया और फिर स्केल से लाइन खींची। ये 2 इंच कपड़ा हमने नेपे का लिया है, ये हमारे नेपे का हिस्सा है। अब नेपे से दो नेपे का हिस्सा छोड़कर हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी लंबाई है 37 इंच, तो हमने 37 इंच पर निशान लगाया और नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंच कपड़े पर निशान लगाया। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम दोनों लाइनों को सीधा करेंगे। ये लाइन हमारी लंबाई की है जो हमने 37 इंच पर लगाया है और ये 2 इंच पे, 2 इंच फोल्डिंग का कपड़ा है, इस पे हमने ये लाइन बनाई है। ये देखें, हमने दोनों लाइनें लगा ली हैं। अब इसके बाद हम आसन का नाप लेंगे। हमारे आसन की लंबाई है 11 इंच, तो हम 2 इंच ऊपर नेपे का छोड़कर 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस साइड पर और दूसरे साइड पर भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन लगाएंगे इस पर। ये हमारे आसन का निशान है। अब हमारे कमर का नाप है गोलाई में 32 इंच। 32 इंच की हमारी कमर है, तो हम इसका चौथाई हिस्सा लेंगे 8 इंच। तो हम 8 इंच नापेंगे। ये देखें, 8 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारी कमर का नाप है 11 इंच, तो हम नीचे भी 11 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। हमारा कमर का नाप हो गया है। अब हम आसन की गोलाई करेंगे। या हम अपनी थाई का नाप लेंगे। हमारी थाई है 30 इंच, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 30 का हाफ है 15। अब ये आसन की गोलाई करेंगे। ये मैंने तमाम मार्जिन इसी में ही रखा है। अब हम नीचे पाइंचे पे निशान लगाएंगे। हमारा पाइंचा है 30 इंच का, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका हाफ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 15 पे निशान लगाया और इसका हाफ 7.5, तो हमने 7.5 पे इस तरफ निशान लगाया है, 7.5 पे हमने दूसरी साइड पे निशान लगाया है। यहाँ से हमारा हुआ 7.5 इंच, तो 7.5 इंच हम यहाँ से भी निशान लगाएंगे और 7.5 इंच का निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये हमारी क्रीज की लाइन है। ट्राउज़र में हम थाई से लगाते हैं क्रीज का निशान, लेकिन बेल बॉटम में हम पाइंचे पे से क्रीज का निशान लगाएंगे। पाइंचे का हाफ करके फिर क्रीज का निशान लगाएंगे। अब हम ये देखें, हमारे पैंचे का नाप हो गया है।
अब हम इसकी, यह हमारा घुटना है, ऊपर से नेपे का 2 इंच छोड़कर हम 20 इंच पर निशान लगाएंगे। यह हमारे घुटने का निशान है और इस पर एक लाइन खींचेंगे। हमारा घुटना है 16 इंच का, तो इसका हाफ हुआ 8 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच हम इस साइड से लगाएंगे और 4 इंच हम दूसरे साइड से लगाएंगे। यहाँ 4 इंच हुआ और फिर आधा 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे घुटने का, ये देखें, आधा इंच मार्जिन का मैंने इधर से रखा है और आधा इंच उधर से। ये हमारे घुटने का नाप हो गया है। अब हम गोलाई करेंगे शेप पट्टी की मदद से। आसन से लेके और घुटने तक हम आधी गोलाई करेंगे और घुटने से पाइचे तक हम आधी गोलाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई का निशान है। और स्केल को दूसरी तरफ पलटकर हम यहाँ से थाई के नाप से घुटने तक गोलाई करेंगे और फिर घुटने के निशान से पाइचे तक की गोलाई करेंगे। ये हमारी तमाम मार्किंग पूरी हो गई है और इसी में ही, ये नाप मैंने जो लिया है इसी में ही मैंने सारा मार्जिन रखा है। अब चलें हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे। फिर हम इसके नीचे पाइंचे से गुलाई करेंगे ऊपर घुटने तक और फिर घुटने से लेके आसन तक हम इसकी गुलाई करेंगे इस तरह, और फिर आसन की गुलाई करेंगे और कमर के निशान तक ले जाएंगे। ये हमारे एक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम दूसरे साइड की कटिंग करेंगे। ये पाइंचे से और घुटने तक हम गुलाई करेंगे और ये देखें, हमारी गुलाई हो गई है। हमारे बेल बॉटम की कटिंग हो गई है मार्जिन के साथ। मैंने नाप में ही मार्जिन का हिस्सा भी रखा था। बिल्कुल आसान तरीके से हमने कटिंग कर ली है। तो चलें अब सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये आसन के हमने 2 पार्ट रख लिए हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हम आसन की गोलाई करेंगे इस तरह और फिर दोबारा सिलाई लेके जाएंगे इस तरह। ये हमारे आसन की सिलाई लग गई है। अब हम अपने दूसरे आसन की सिलाई भी इसी तरह लगाएंगे। दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने आसन की सिलाई को लगाया और दोबारा फिर सिलाई लगाई। ये हमारे आसन की सिलाई लग गई है। ये हमारे दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। अब हम एक सीधा पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर हम दूसरा उल्टा पार्ट रखेंगे और फिर साइडों की सिलाई लगाएंगे इस तरह दोनों साइड पर। ये हमारे एक साइड की सिलाई लगना शुरू हो गई है। देखें, हम एक साइड पे सिलाई लगा रहे हैं और हल्की सी यहाँ से गोलाई भी ली है। देखें, हमारी सिलाई आधा इंच की मार्जिन रखकर हमने ये सिलाई को पूरा किया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट इसी तरह जुड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर रखकर। देखिए, मैंने दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा ली है। अब हमारा लास्टिक है 28 इंच का, तो हम सॉरी मैंने 24 इंच का लास्टिक लिया है और एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इसको लास्टिक को जोड़ेंगे और इसकी सिलाई को पक्का करेंगे।
तीन चार बार इसी तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई को पक्का करेंगे। ये हमने गोलाई में लास्टिक को जोड़ लिया है। अब हम डेढ़ इंच का नेफा बनाएंगे। आधा इंच हम अंदर के साइड मोड़ेंगे नेफे को। ये देखें, हम लास्टिक को नेफे के अंदर रखेंगे और आधा इंच कपड़ा मोड़कर इस पर सिलाई लगाएंगे। हम नेफे को मोड़ते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। यह नेफा हमारा 1.5 इंच का होगा और 1.25 इंच का ये हमारा लास्टिक है। इसी तरह हम पूरे नेफे पर सिलाई लगाते जाएंगे गोलाई में। ये देखें, हमने गोलाई में लास्टिक को लगाया है। चारों तरफ हम इसी तरह गोलाई से लास्टिक को अंदर रखकर सिलाई करते जाएंगे। हमारी सिलाई प्लास्टिक के ऊपर ना आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये देखें, हमारा लास्टिक लग गया है। हम एक सिलाई अब लास्टिक के ऊपर लगाएंगे। पीछे से भी हम लास्टिक को खींचते जाएंगे और आगे के साइड से भी लास्टिक को खींचते जाएंगे। इस तरह हमारी ऊपर की सिलाई भी लग जाएगी। ये देखें, मैं लास्टिक को आगे और पीछे दोनों साइड से खींचती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये हमारी लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लग गई है। ये हमारी लास्टिक डल गई है। अब हम नीचे पाइंचे का हिस्सा फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच का हमारी ये फोल्डिंग है और आधा इंच कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया है। इस तरह से हम नीचे से पाइंचे को मोड़ते जाएंगे। देखें, हमने सिलाई आधे हिस्से तक लगा ली है। अब हम बाकी का दूसरा आधा हिस्सा भी कंप्लीट करेंगे। यह हमारी सिलाई पूरी लग गई है। ये दूसरे पाइंचे की भी सिलाई हम इसी तरह लगाएंगे। आधा इंच का हम ये मोड़ेंगे पाइंचे को। ये देखें, ये हमारी सिलाई आधी हो गई है। अब हम आगे सिलाई शुरू कर रहे हैं। ये देखें, हमारी सिलाई हो रही है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट कर आधा इंच हमने मार्जिन का रखा है और सिलाई को पक्का किया है। ये हमारी बीच की सिलाई है। ये देखें, सिलाई को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। आसन तक हमारी आधी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये आसन के बाद हम सिलाई को दोबारा नीचे की तरफ मोड़ के लाएंगे और ये देखें, हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये हम पाइंचे के साइड पे, ये देखें, हम अब दूसरे पाइंचे की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई को पक्का करेंगे और सिलाई को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई को लगाते जाएंगे और दूसरे साइड को कंप्लीट करेंगे। देखें, इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे बीच की गोलाई की सिलाई है। ये देखें, सिलाई हम ये आसन के पास आ गई है। यहाँ हमने पक्का किया सिलाई को और दोबारा बूट को मोड़कर हम सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने डबल सिलाई की है। इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी बीच की सिलाई कंप्लीट हो रही है। पाइंचे के पास लाकर हम सिलाई को पक्का करेंगे। ये देखें, हमारे बेल बॉटम तैयार हो गया है और इसकी देखें काफ़ी अच्छे से गोलाई आई है। नीचे तक देखें, काफ़ी अच्छी गोलाई आई है। हमने ना इसमें आगे पलेटें डाली है ना बेल्ट लगाया है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा सिल गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।